अरे फ्लोर बाबूजी, आप देखिए खाने का कमाल। अरे वाह, अब तो सब खींचे चले आएंगे बाबूजी। सिंपली फ्रेश ऑयल का कमाल है। बिल्कुल। अरे वाह, सिंपली फ्रेश ऑयल कमाल का खाना बनाता है। अरे वाह, इस खाने की खुशबू ही अलग है, जो भी खाएगा बार बार याद करेगा। बढ़िया शॉट वैसे ही चल जाना बंद करो, लाइट बंद कर दो, शॉट टेक हो रहा है। ठीक है, शॉट टेक है, बंद कर दो। सचिन बाबूजी, अब देखिए कमाल। अरे अब तो सब खींचे चले आएंगे। जी, सिंपली फ्रेश जो है ये सोयाबीन ऑयल है। सोयाबीन ऑयल हेल्दी होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। तो वैसे भी क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मैं तो वैसे भी अपनी प्रोटीन की कमी पूरी करने के लिए सोयाबीन खाती हूँ, क्योंकि सोयाबीन इज़ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर वेजिटेरियंस। तो मुझे ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा और हमारी टीम बहुत अच्छी थी, तो दैट इज़ वाई आई सेड येस टू इट। और हम एक यहाँ पर टेलीविजन कमर्शियल और प्रिंट शूट कर रहे हैं इसी प्रोडक्ट के लिए। बहुत मज़ा आया। विपुल को तो मैं जानती हूँ, विपुल हमारे भाभी जी के सेट के बगल में ही इनकी भी शो की शूट हुआ करती थी, तो हम वहाँ हमारी पहचान हुई और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आपकी सरसवल बालाजी जो इनकी कंपनी है, ये इसके इस प्रोडक्ट के अलावा कई सारे और प्रोडक्ट्स बनाती है, तो बहुत ही रिलायबल और ट्रस्टेड कंपनी है। और नॉर्थ में खासकर इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स बहुत मशहूर हैं, तो क्रेडिबिलिटी है और चीज़ बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छा है। तो आई एम वेरी हैप्पी टू डू दिस। और हमारे डायरेक्टर स्टाफ हैं यहाँ पर, प्रभाकर जी, वो बहुत ही खूबसूरत फिल्म बना रहे हैं, तो देखकर अच्छा लग रहा है। काम अच्छा होता है तो दिल खुश होता है आर्टिस्ट का। प्रभाकर जी के साथ बहुत मज़ा आया काम करके, हंसते खेलते हमारी शूट हो रही है। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि काम बहुत अच्छा हो रहा है, हम अच्छे लग रहे हैं और बहुत खूबसूरती से लाइटिंग की गई है और क्लाइंट्स हमारे बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। सर आपसे जानना चाहूँगा ऑयल के बारे में, अभी सामने बताया क्लाइंट इतने फ्रेंडली हैं कि जो नाम है सिंपली फ्रेश, ताज़े तेल का यानी सिंपली फ्रेश तेल का और एक खुशहाल परिवार के खाने का एक बहुत पुराना संबंध होता है। जो परिवार खुशी से खाता है वो परिवार यूनाइटेड भी रहता है, समृद्धि भी आती है। हाँ, समृद्धि भी आती है। साथ ही में सोयाबीन ऑयल की जहाँ तक बात है, वो तो अगर लोग, मैं हिस्ट्री का फ़ैन हूँ, बहुत पढ़ता हूँ हिस्ट्री, तो 2000 BCE में चाइनीज़ खाने में बताया गया था कि सोयाबीन ऑयल यूज़ होता है। तो हिस्ट्री तो सोयाबीन ऑयल की बहुत पुरानी है। और ये जो नया ब्रांड है, जिसको ये नया नहीं है लेकिन रिटेल मार्केट में नया है, ये सालों से लोगों को सप्लाई करता आ रहा है एज़ अ होलसेलर, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, लेकिन अभी जब इन्होंने ख़ुद कदम बढ़ाया है तो हम इनके साथ हैं। और उम्मीद है ये ब्रांड बहुत बड़ा बनेगा और हम हर ऐड करेंगे इनका। है कि नहीं? देखिए, सिंपली फ्रेश ऑयल जो है, जिसका हम लोगों ने कास्ट किया है, ये बेसिकली सोयाबीन ऑयल है और इसके साथ साथ और भी काफ़ी प्रोडक्ट हैं हमारे। लेकिन जब सोयाबीन की बात करते हैं तो सोयाबीन ऑयल आजकल हम लोग काफ़ी टाइम से देख रहे हैं कि प्रोटीन्स की तरफ लोगों का बहुत ज़्यादा रुझान है और सोयाबीन इज़ हाईली इन दिस, मतलब प्रोटीन लेवल जो होता है सोयाबीन का वो बहुत ज़्यादा होता है। और मैम जो हैं, मैम हैं, सर हैं, बेसिकली हम लोगों ने सौम्या मैम को, विपुल सर को जो अपने साथ में कास्ट किया है इस प्रोडक्ट के अंदर, हमारा बेसिक मैसेज जो है वो ये है कि इसको आप अपने घर में यूज़ कर सकते हैं और
इसको अपने घर में यूज़ करने के साथ साथ आपको जो हेल्थ है उसको आप मतलब हम लोग इसमें एक मैसेज जो दे रहे हैं वो हेल्दी प्रोडक्ट का मैसेज दे रहे हैं, जो कि आप एक अब देखते हैं कि बाबूजी का रोल भी कर रहे हैं आलोकनाथ जी, तो आप देख रहे हैं कि मतलब छोटे बच्चे से लेके बड़े बुज़ुर्ग तक इसको कंज्यूम कर सकते हैं और उससे आपको किसी भी तरह से हेल्थ में कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड वी हैव डन द R&D ऑल्सो ऑफ दिस प्रोडक्ट एंड द टेक्निक्स वी आर यूजिंग आर वन ऑफ द बेस्ट इन दिस वर्ल्ड। मुझे ऐसा लगता है कि खाना एक ऐसी चीज़ है जो परिवार को बांधती है और आजकल हेल्थ पे ज़्यादा फोकस है। सभी लोग ये चाहते हैं कि हम बीमार पड़ने पहले ही प्रिकॉशन लें, तो खाने में हेल्थ अब हम ढूंढ रहे हैं। अब ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ गई है, अब लोग जब ज़्यादा अच्छा देखते हैं कि खाना अच्छा बना है वो तो ठीक है, लेकिन खाना हेल्दी भी होना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। और अब पहले हम कहा करते थे कि इंडियन किचन्स में जो है वो खाने इतने हेल्दी नहीं होते, लेकिन अब रुझान लोगों का छोटे से छोटे शहर में और छोटे से छोटे कस्बे में लोगों का ये ध्यान है कि खाना भले ही स्वादिष्ट हो लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि वो हेल्दी होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं।